लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने चुनावी माहौल की शुरुआत कर दी है। पहले तो उदयपुर लोकसभा से प्रत्याशी घोषित होने के साथ ही भाजपा ने स्वागत और अन्य कार्यक्रम किए। इसके बाद चुनाव संचालन समिति की बैठक और आज भाजपा महिला मोर्चा ने नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत उदयपुर में रैली निकाली। रैली को टाउन हॉल नगर निगम से उदयपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी मन्नालाल रावत और भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रविन्द्र शिवाली ने रवाना किया। रैली में शामिल मोर्चा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं को लेकर नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ी। रैली टाउन हॉल सूरजपोल बाबूबाजार बैंक तिरा डेलीगेट होते हुए वापस टाउन हॉल पहुंची, जहां नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के जरिए पार्टी ने लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उत्साह भरा। रैली से पहले लोकसभा उम्मीदवार मन्नालाल रावत ने कहा कि हमें घर घर तक पहुँच बनाते हुए मोदी सरकार की योजनाओं और लाभार्थियों से संवाद रखना है। जिला अध्यक्ष शिमाली ने कहा कि अब चुनाव के लिए तैयार हो जाएं और संगठन के साथ कदम मिलाते हुए पार्टी लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार की रिकॉर्ड जीत के लिए मेहनत करना शुरू कर दे। इस रैली में अध्यक्ष कविता जोशी, हंसा माली, अर्चना शर्मा, सुषमा कुमावत सहित मोर्चा की कार्यकर्ता शामिल थी। टाउन हॉल पर इस दौरान भाजपा नेता प्रमोद सांबर, मनोज मेघवाल, शैलेंद्र चौहान, अमृत मिनारिया आदि भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे।